नमस्ते, मैं हूँ आशुतोष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। कुछ साल पहले एक हॉलीवुड फिल्म देखी थी। नया नया शौक चल आया था हॉलीवुड का, लेकिन हम हिंदी मीडियम के आदमी इंग्लिश पल्ले नहीं पढ़ती थी तो हिंदी डब्ड देखते थे। वो फिल्म थी द डे आफ्टर टुमारो, यानी कल के बाद वाला दिन। फिल्म में दिखाया गया था कि कुछ वैज्ञानिक लोग लगे रहते हैं रिसर्च करने में कि हज़ारों साल बाद ग्लोबल वार्मिंग का क्या असर होगा। शहरों में बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ बरसने लगेंगे, समुद्र का सारा पानी पूरे वेग से शहर में घुस जाएगा, शहर के शहर फ्रीज हो जाएंगे, ये जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं सब बर्फ़ हो जाएंगी, जहां आज कारें बसें चलती हैं वहां कई मीटर ऊंची बर्फ़ जमी रहेगी। सब लोग ये सोचकर बेफिक्र रहते हैं कि ये सब 10,000 साल बाद होने वाला है, लेकिन वैसा होना अचानक शुरू हो जाता है, देखते देखते सब तबाह हो जाता है। मैं वो फिल्म भूल गया था, लेकिन अचानक अपने आसपास की गतिविधियों को देखकर फिर याद आ गई। मुझे लगा कि हम लोग तब तक एकदम चिल्ड आउट रहते हैं जब तक दुर्घटना हो नहीं जाती, हेलमेट जो है तब तक नहीं लगाते जब तक एक आध बार सिर फट नहीं जाता, नंगे तार में प्लास्टिक तब तक नहीं लपेटते जब तक उसमें कोई चिपक ना जाए। हम लास्ट मोमेंट का इंतज़ार करते हैं कि जितना बुरा होना है हो ले, फिर हम अपने हिसाब से निपट लेंगे। निपट खेलोगे यार, जब सब हाथ से निकल जाएगा। ये सब तो खैर छोटी दिक्कतें हैं, बड़ी दिक्कत को हम दिक्कत ही कंसीडर नहीं करते, क्योंकि उसका सीधा असर इतनी जल्दी होता नहीं। अभी पोल्यूशन को ही ले लो। यहाँ दिल्ली में मेरे एक दोस्त कहते मिले कि वो पोल्यूशन के खिलाफ अभियान छेड़ेंगे, लेकिन दिवाली के बाद, क्योंकि दिवाली पर पटाखे जलाने से रोकना हिंदू भावनाओं को भड़काना होगा। वो पढ़े लिखे अच्छे ओहदे पर हैं, उनको ये भी पता है कि जहरीली हवा पीने वाला फेफड़ा भावनाओं वाले दिमाग के बैंड बजा देगा, लेकिन उन्हें डर है कि उनकी खास विचारधारा वाले फैंस उनकी इस जेन्युइन बात से छिटक जाएंगे। इसलिए दिवाली के बाद के लिए पॉल्यूशन का अभियान मुलतवी करके रखा गया था। कई लोग कहते मिले कि बकरी कटने से क्यों नहीं बचाते बकरीद में, दिवाली पर ही पॉल्यूशन याद आता है क्या? ऐसा नहीं है कि हम बहुत पशु प्रेमी लोग हैं, हम बकरीद पर बकरी इसीलिए बचाना चाहते हैं ताकि उसको पटाखों की आवाज़ से दहला सकें। कुत्ते हमारे फेवरेट हैं, हम उनको इसीलिए पालते हैं ताकि दिवाली में उनको तेज़ आवाज़ पटाखों की आवाज़ से कांपते हुए देख सकें। ये सिर्फ बकरीद दिवाली की बात नहीं है, हम बिजली के तारों में फंसे हुए कौवे और कबूतर बचाते हैं, लेकिन अगर कोई समझाने आए कि कांच लगे मांझे से पतंग मत उड़ाओ क्योंकि इसमें फंसकर सबसे ज़्यादा पक्षी मारे जाते हैं, तो हम उनको डपट देते हैं। तुमको ये ज्ञान मकर संक्रांति में ही याद आता है, शबे बारात में कहाँ चले जाते हो? हम इतने बड़े पशु प्रेमी हैं और इतने दयालु हैं कि एक दूसरे के धर्म को चिढ़ाने के लिए जानवरों की बलि ले लेते हैं। मुझे याद है 2 साल पहले जब डेंगू से अंधाधुंध मौतें शुरू हुई थी तो सबके घर में पपीते के पेड़ लग गए थे, सफाई हो गई थी, मच्छरों का बहिष्कार हो गया था। जब तक मौत नंगा नाच ना करे हम हर चीज़ हल्के में लेते हैं। एक पखवाड़ा पहले ही अखबार में निकला था कि अगर सांस के मरीज हैं तो दिल्ली छोड़ दें, अमां किसी कहने के छोड़ दें, मजाक चल रहा है? हम सबसे बड़े दादा सुप्रीम कोर्ट को औकात बता देते हैं, ये डॉक्टर लोग कौन होते हैं, कौन से खेत की मूली हैं? हम तब तक नहीं हार मानेंगे जब तक ये पॉल्यूशन मास मर्डर नहीं शुरू कर देता है। एक ही दिन में 100-150 लोग गहरी नींद में सो जाएं तो शायद हमको लगे कि यार पटाखे और पॉल्यूशन हिंदू मुसलमान नहीं पहचानते हैं। 48 साल की मीना गुली ऑस्ट्रेलिया की हैं, हांगकांग बेस्ड कंपनी थ्रस्ट की CEO हैं, आजकल रोजाना 42 किलोमीटर दौड़ रही हैं। 100 दिन दौड़ने का अभियान है इनका, प्रोफेशनल धावक नहीं है लेकिन पानी के लिए दौड़ रही हैं, पानी बचाने के लिए। मीना का मानना है कि हमारी आने वाली नस्लें तभी सलामत रह पाएंगी अगर हम आज पानी बचाएंगे। कैसी पागल औरत है, इसको मालूम ही नहीं कि हमको पानी की कोई कमी नहीं है। अभी इसको व्हाट्सएप का पढ़ा कोई ज्ञानी आदमी बताएगा कि धरती पर 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा ज़मीन। अपना ज्ञान अपने पास रखो, जब ख़त्म होगा तो देखेंगे, जब ख़त्म होगा तो देखेंगे। इसी मानसिकता के साथ पूरा देश चल रहा है, पूरी दुनिया चल रही है। नोएडा में स्मॉग से निपटने का नायाब तरीका निकाला गया, पॉल्यूशन से निपटने का, पानी का टैंकर सड़कों पर खोल दिया, सड़कों पर बहता पानी पॉल्यूशन कंट्रोल कर रहा है। पॉल्यूशन को दबाना पानी का काम है, हमारा काम है फैलाना, पटाखे चलाना। भले इस देश में बारूद मंगोल आक्रमणकारी लेकर आए, भले राम के वापस आने पर दिए जलाए गए हों, लेकिन हमारा धर्म अपडेट भी तो हुआ है। हर चीज़ को सत्यानाश कर देना हमारा परम कर्तव्य है। हम कोर्ट की, डॉक्टर की, विशेषज्ञों की, पेटा की, नेचर की, गंगा बचाने में मर रहे बुजुर्गों की बात मानेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर। तब तक हमें डिस्टर्ब मत करो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे और वीडियोज़ देखने हैं तो उनका नया अड्डा है हमारा दी ललन टॉप का ऐप एंड्रॉयड पर आ गया है, आप ढूंढ कर इंस्टॉल कर लीजिए। और यूट्यूब चैनल तो है ही, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज भी लाइक कर लीजिए। थैंक यू।